आपने जो दिल दहला देने वाला दृश्य अभी देखा, ऐसा इस गांव में पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी कई लड़कियों ने अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए या छुटकारा पाने की कोशिश करने के लिए ये खौफनाक कदम उठाए। ऐसी कौन सी मजबूरी थी इन मासूम लड़कियों की जो उन्हें इस कदर मजबूर कर देती? इस लड़की ने तो अपनी जान की आहुति देकर अपनी मुसीबत से छुटकारा पा लिया, लेकिन गाँव की बाकी लड़कियों के साथ क्या होगा? क्या हो रहा था उनके साथ ऐसा जो उन्हें इतना बेबस और अपाहिज बना देता था कि उनके सामने खुदकुशी करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचता था। पर माँ मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे, चल बैठ। अम्मा दुख रहा है। कुछ नहीं दुख रहा है, चल सीधी बैठ। अरे जयंती, तुम लोग जल्दी बाहर आओ, वो लोग आ गए भाई, जल्दी करो। बस आ रही है। सुन, सरपंच जी के सामने कोई नौटंकी मत करना, समझी? यह तुम्हारा ससुराल अच्छा है ना? खाओ खाओ लड्डू खाओ। अरे वाह भाई रामशंकर, वाह। लीजिए, आ गई बिटिया रानी। वाह वाह वाह, आओ बिटिया आओ। बेटा सरपंच जी को पानी पिला। अरे नहीं बिटिया, पहले उन्हें पिलाइए, बलदेव तुम्हारे होने वाले पति। संभाल के बेटा। क्या बदतमीजी है? ये क्या बदतमीजी है? चल यहां से। चल 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 चल। सरपंच जी रुक जाइए, हमारी बात सुनिए। सरपंच जी अपनी बेटी को समझा दे, ये गांव में शांति से रहना चाहती है ना, तो ये सब तेवर ना दिखा, समझा? चल। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, बेटी अनादान है, उसे माफ कर दीजिए, उसे समझ नहीं है, हम उसको समझा देंगे, समझा बुझा के आपके पास ले आएंगे, बलदेव जी से ही शादी करेगी, हम वादा करते हैं सरपंच जी, वादा करते हैं। किस्मत अच्छी है तेरी जो बलदेव अब भी उससे शादी करने के लिए राजी है। एक हफ्ते का टाइम देता हूँ, शादी की तैयारियां शुरू कर दे। चल चल। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सरपंच जी। जयंती के माँ बाप उसके मर्जी के खिलाफ उसकी शादी उससे 3 गुना उम्र के आदमी के साथ करवा देना चाहते हैं। जयंती ने बार बार विनती की, विरोध किया, लेकिन फिर भी ये लोग जबरदस्ती उसकी शादी करवाना चाहते हैं, जबकि जयंती अभी 18 साल की भी नहीं हुई। ये कैसा रिवाज माना जाता है इस गांव में, जहां बेटियों को सिर्फ एक मजबूरी, एक जिम्मेदारी की तरह देखा जाता है, जिससे हर बाप जल्द से जल्द अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। ऐसी लड़कियों का भविष्य क्या होगा जिन्हें अपनी मर्जी से जीने तक नहीं दिया जाता? क्या होगा जयंती का, जिसने एक तरफ ये रिश्ता ठुकरा कर गाँव के सरपंच से ही दुश्मनी मोल ले ली थी, और दूसरी तरफ उसके अपने पिता उसकी जबरदस्ती शादी करवाने पर तुले हुए? कभी इससे कुछ कहा नहीं ना, इसलिए सिर पर चढ़ गई है। सारे गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी ये लड़की हमें तो। बापू, हमें अभी शादी नहीं करनी है। कहा कहा शादी नहीं करनी है, तो क्या सारी जिंदगी हमारी छाती पर बोझ बनकर मुंह डलेगी तू? लेकिन बापू, अभी तो हम 18 साल के भी नहीं हुए, और स्कूल में तो हमें सिखाया जाता है कि। चुप कर, तेरी स्कूल की बातें तू हमें ना सुना। बस भी कीजिए, मैं समझाती हूँ इसे। बेटा, तुम्हारे बापू जो समझा रहे हैं तेरे भले के लिए समझा रहे हैं, उसके पास बहुत धन दौलत है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा बेटा। लेकिन अम्मा, अभी हम और पढ़ना चाहते हैं, हमें अभी शादी नहीं करनी। ये ऐसे नहीं मानेगी। अरे बापू, अरे रुक जाइए, रुक जाइए बापू, मेरी बात तो सुनो। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए अम्मा, खोलो ना अम्मा।
आज जब माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर जिंदगी देने की उम्मीद करते हैं, हर सुख सुविधा देने की कोशिश करते हैं, वहीं इस गांव में लड़कियों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक हो रहा था। एक 16 साल की मासूम लड़की को जिंदगी की खुशियां देना तो दूर, उसकी शादी उसके माँ बाप 46 साल के आदमी से करवा रहे थे। क्या भविष्य होगा ऐसी लड़की का जिसने जिंदगी को अभी पूरी तरह से समझा तक नहीं, उसे इस तरह की बददिमाग प्रथाओं का शिकार बनाया जाता है। खबरदार, जो इस बार तूने ऐसी वैसी कोई हरकत की, एक भारती को कितनी खुश है अपने घर परिवार के साथ। एक साल हो गया इसके ब्याह का। वो हम भी दीदी को मिलेगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रुक जाओ। क्या हुआ बुआ? बहुत बड़ा अपशगुन हो गया, भारती का पति अब नहीं रहा। बहुत बुरा हुआ भारती के साथ। अभी बेचारे की जिंदगी शुरू ही हुई थी कि भगवान ना करे कल को अगर हमारी जयंती के साथ। होश में तो हो रामशंकर, तुम हमरे लाए रिश्ते को मना कर रहे हो, माधव सिंह के लाए रिश्ते को। हमारी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती है और हम जबरदस्ती उसका ब्याह नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा सरपंच जी, ये हमसे नहीं होगा। आप जो भी सजा देंगे हमें मंजूर है। ठीक है, अगर तुम ही गांव के रीति रिवाज को नहीं मानते तो फिर तुम्हारा ये गांव में रहना भी मुश्किल है। तुम ही गांव में नहीं रह सकते। सुन लो तुम सब लोग, आज के बाद इसके परिवार को कोई खाना तो क्या एक बूंद पानी तक नहीं देगा, और ना ही तुम में से कोई इसके परिवार के किसी सदस्य से बात करेगा। और तुम बे, आज के बाद अपनी सारी उपज यहां देकर जाओगे हमरे यहां, समझे? आज के बाद अगर ये गांव में नजर आए तो इसके हाथ पैर तोड़ देना। जाओ लेके जाओ इसे यहां से। जयंती और उसके माँ बाप के पास घर और गांव छोड़कर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। वो गांव के सरद के पास दूसरे घरों से मीलों दूर बेहद मुश्किल परिस्थितियों में जीने को मजबूर हो। उनके आसपास भूख मिटाने के लिए खाने को एक दाना भी नहीं था और पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं था। उनके हालात पहले से कहीं ज्यादा कठिन और बदतर हो गए। ऊपर से माधव सिंह के हुकुम के चलते सारे गांव वालों ने जैसे उन्हें समाज से बेदखल ही कर दिया था। ऐसे हालात में जयंती के पिता को मजबूरन वहां से 15 मील की दूरी पर एक नौकरी करनी पड़ी ताकि कम से कम वो अपने परिवार को दो वक्त की रोटी दे सके। हम जल्दी ही पैसा इकट्ठा करके इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके किसी और गांव में चले जाएंगे बेटी, जहां तू भी पढ़ लिख के अपनी जिंदगी बना सके।
जयंती को हर रोज तपती धूप में 10 मील चलकर जाना पड़ता था ताकि वो पानी का एक घड़ा भरकर ला सके। अरे इतना सब कुछ हो गया फिर भी शर्म नहीं है। लगी तो नहीं? अरे चल चल उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। लगी तो नहीं? कोई बात नहीं, घर में थोड़ा पानी है उससे हम काम चला लेंगे। नहीं, हम अभी पानी लाएंगे। जयंती, अरे रुक बेटा, जयंती रुक जा बेटा, रुक जा। अरे पागल हो गई है, शाम होने को आई है। अरे जयंती रुक जा बेटा, कोनो जरूरत नहीं है। उनकी जिंदगी मानो जैसे एक सजा बन गई थी, लेकिन इतनी बाधाओं और मुश्किलों के बावजूद जयंती का इरादा अटल था। ए, रुक जा, यहाँ पानी नहीं भर सकती। क्यों नहीं भर सकते? हमने तुम्हारी घटिया परंपरा नहीं मानी इसलिए, या फिर सच बोला इसलिए? माधव सिंह का हुक्म है, समझी? जो तूने किया है ना, यही सजा है उसकी। चल भाग, चल भाग। हर, 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 सुषमा। सुषमा, सुषमा क्या कर रही है? क्या खाया तूने? क्या खाया? क्या हुआ तुझे सुषमा? क्या हुआ सुषमा? क्या हुआ तुझे सुषमा? कुछ बोल सुषमा। क्या हुआ सुषमा तुझे? हम शादी नहीं करना चाहते, अम्मा बापू जबरदस्ती हमारी शादी उस 45 साल के आदमी से करवाना चाहते। हमें शादी नहीं करनी चाहती, हमें बचा ले। हाँ, तू चिंता मत कर, एक हफ्ते में ना हम ये गांव छोड़कर दूसरे गांव जा रहे रहने के लिए। तू भी चल हमारे साथ। हाँ बापू तो एक हफ्ते के अंदर ही हमारी शादी करवाना चाहते। एक हफ्ते में अब हम क्या करेंगे? तू रो मत, तू रो मत, रुक, हम कुछ सोचते हैं।
लक्ष्मण और उसकी पत्नी को हवलदार गिरफ्तार कर लिए है। क्या बात करते हो, गिरफ्तार? कह ही रहे थे कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की जबरन शादी कानूनन जुर्म है। ठीक ही तो कह रहे थे, अभी सुषमा की उम्र 18 साल कहाँ हुई है? तू कहाँ चली गई थी सुबह से? का तूने सुषमा से कुछ कहा था? हम तुम्ही से पूछ रहे, जवाब दो जयंती। हमने पुलिस को जाकर खबर कर दी कि वो लोग सुषमा की जबरदस्ती शादी करवा रहे थे। पुलिस के पास जाने की क्या जरूरत थी? जानत नहीं कि यहाँ की पुलिस पुलिस उमाधव सिंह के हाथ में है। खबर हो गई। अरे हमें जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा, वरना ही माधव सिंह हमको नहीं छोड़ेगा। लेकिन बाबू सुषमा, ये कैसी विडंबना है, कैसी सोच है? सबकी आंखों के सामने कानून को अपनी एड़ी तले रौंदने वालों का पूरा गांव साथ दे रहा था, जबकि अपने हक के लिए लड़ने वाली जयंती बिल्कुल अकेली थी। जब गांव की मासूम लड़कियों की जान रीति रिवाजों के नाम पर कुर्बान कर दी जाती थी, तब सबकी जुबान पर ताला लगा हुआ था। लेकिन जब जयंती ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तब सभी लोग उसका मुंह बंद करने की ताक में लग गए। और इसमें सबसे आगे था माधव सिंह, जो जयंती के हौसले को देखकर बौखला गया और उसकी जान का दुश्मन बन गया। लेकिन जयंती भी उसके हाथों में इतनी आसानी से आने वाली नहीं थी। वो लोग गांव से दूर एक छोटे शहर में आकर बस गए। जयंती के पिता की नौकरी लग गई और कुछ ही दिनों में उन्होंने नए सिरे से जिंदगी शुरू की। रामशंकर मेहनत करके अपने परिवार को पालने लगा और जयंती ने भी अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। लेकिन इन सब के बावजूद जयंती की लड़ाई कुछ देर के लिए टल जरूर गई थी, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई थी। आप ही की वजह से हम टीचर बन पाए हैं बाबू, अगर आपने हिम्मत ना की होती तो। तू अपनी मेहनत से मास्टर नहीं बनी है बेटी, तेरी माँ जिंदा होती तो कितनी खुश होती। वैसे कौन सी स्कूल में पढ़ाने का फैसला किया है तूने? अपने गांव में, जहाँ हम पैदा हुए थे। ये क्या कह रही है तू? जिस नरक से निकल कर आई थी वही वापस जाना चाहती है तू? हाँ, उस नरक को हम अब तक भूले नहीं है। हमारा घर है वहाँ, 8 साल बीत चुके हैं बाबू। जब वहाँ से आए थे तब हमारे पास और कोई चारा नहीं था, और कब तक भागती रहूँगी? भागने से मुसीबत खत्म नहीं होती है, हम जाकर देखेंगे तो जरूर। जयंती मैडम। हाँ। आइए आइए, हम आप ही की राह देख रहे थे। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? जी यही कुछ 16 लड़के हैं। और लड़कियाँ? क्या मैडम, 13-14 की उम्र होने तक तो उनकी शादी हो जाती है, स्कूल कहाँ आएंगी। खैर आप पहली बार हमारे गांव आई हैं, आप कहें तो हम आपको गांव घुमा लाते हैं। गांव तो हम घूमेंगे, लेकिन तुम रहने दो, मैं खुद घूम लूंगी।
पानी नहीं भर सकती। माधव सिंह का हुक्म है, समझी? जो तूने किया है ना, यही सजा है उसकी। चल भाग, चल भाग। बड़ी नसीब वाली है तू सुषमा, तूने बड़ा पुण्य किया है, तभी ईश्वर की कृपा से तेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया। सुषमा मुबारक हो, सुना तुम्हारी लड़की की शादी पक्की हो गई है। शुक्रिया, पर आप क्या हुआ, खुश नहीं हो इस रिश्ते से? तो लो खिला दो इसे भी। सुषमा, सुषमा क्या कर रही है? क्या खाया तूने? क्या खाया? क्या हुआ तुझे सुषमा, क्या हुआ? कुछ बोल सुषमा, तुमने भी तो यही किया था ना? जयंती, तू यहाँ क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? माधव सिंह के आदमी ने तुझे देख लिया तो वो तुझे, तू मेरी छोड़ सुषमा, तू ये बता तू क्या कर रही है? जो गलती तेरे माँ बापू ने की थी आज तू भी वही करने जा रही है? तुझे क्या लगता है मैं अपनी खुशी से ये सब कर रही हूँ? काश उस दिन तूने मुझे मर जाने दिया होता तो कम से कम आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। जानती है मेरी पहली बेटी पैदा होते ही मुझे छोड़कर चली गई, क्या इस सब के बाद भी मैं अपनी गौरी के साथ ये सब कुछ करूंगी? तो तू कुछ करती क्यों नहीं सुषमा? क्या करूं मैं? तू जानती है ना कि गांव उस माधव सिंह के हुक्म पे चलता है, गौरी के लिए रिश्ता भी उसी ने तय किया है। मैं रोकूंगी ये शादी। तू पागल हो गई है क्या? क्या करेगी तू? काकी मुझे इसमें पानी भरना है, भर लूँ क्या? अरे तू तो शहर से आई है तब भी कच्ची मिट्टी का घड़ा है, पानी नहीं पकड़ेगा। कच्ची मिट्टी के घड़े में कोई पानी भरता है क्या? अच्छा, कच्ची मिट्टी के घड़े में पानी नहीं भरते, लेकिन कच्ची उम्र में अपनी लड़कियों की शादी करवा सकते हैं और फिर उनसे बच्चा पैदा करने की उम्मीद भी करते हैं। ओ छोकरी, क्या नाप सनाप बके जा रही? बक नहीं रही हूँ, सच बोल रही हूँ। कब तक सच्चाई से भागते रहेंगे? ए मास्टर नहीं, आप ही हैं। नहीं मास्टर नहीं जी, ये आते ही काबाट पढ़ाना शुरू कर दिए। अरे कौनो जरूरत नहीं है इन सब का भेजा में अपना ही उल्टा सीधा बातें भरने का। अठारह साल की उम्र से पहले लड़कियों की शादी करवाना कानूनन अपराध है। का? गौरी अभी सिर्फ 7 साल की है और तुम उसकी शादी पक्की कर रहे हो? देखा मास्टर ने जी, तुम यहाँ लड़कों को पढ़ाने आए, पढ़ाओ खूब पढ़ाओ, पर देखा अपने काम से काम रखा। बाहर वालों का गांव के मामले में टांग अड़ाने का ना कोई इजाजत नहीं है। लगता है उम्र के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। मैं इसी गांव की हूं, कोई बाहर वाली नहीं।
याद आया? जयंती? हाँ जयंती, जो तुम्हारी इस भक्ती परंपरा को लात मारकर इस गांव से चली गई थी। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद तुम में थोड़ी तो शर्म आई होगी, लेकिन नहीं। जबान संभाल कर बात कर लड़की, कि तू यहाँ आकर इन सबको बचा लेगी। याद रख, ये गांव हमरा है, हमरा, और ये हमरा राज चलता है, माधव सिंह का। पर अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब मैं वापस आ गई हूँ। अच्छा। क्या करेगी तू? चल ठीक है, कर जो कर, हम भी देखता हूँ कि तू हमरा कहा कर। चलो रे, मास्टर नहीं आई है हमरा गांव में, चला। जयंती हम सबके लिए एक प्रेरणा है, एक मिसाल है। वो चाहती तो किसी भी स्कूल में बतौर टीचर जाकर पढ़ा सकती थी, अच्छे पैसे कमाकर उसने और उसके पिता ने इतने सालों में जितनी भी मुसीबतें सही हैं उनकी भरपाई करती। लेकिन उसने इन प्रलोभनों से आकर्षित ना होकर अपने आदर्शों को सबसे ऊपर रखा। वो उन लोगों में से नहीं थी जो परिस्थिति से मुंह फेर लेते हैं, इसीलिए इतने सालों बाद उसने अपने ही गाँव में जाने का फैसला किया। जिन मुश्किल हालात से वो गुजर चुकी थी उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी परवाह न करते हुए जयंती ने हमेशा गांव वालों की भलाई के बारे में सोचा। वो आज भी गांव में शिक्षा का प्रसार करना चाहती थी, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं से गांव वालों को बचाना चाहती थी। पर अफसोस, उसके इस जज्बे को गांव की औरतों का समर्थन नहीं मिल पा रहा था। उसने हर मुमकिन तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश की कि कैसे उनकी बच्चियों का भविष्य तबाह हो रहा है। लेकिन सालों से रीति रिवाज और अंधविश्वास के रास्ते पर आंख मूंद कर चलते आ रहे गांव वालों पर जयंती की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन जयंती ने हिम्मत का दामन नहीं छोड़ा। इतनी छोटी बच्ची, आपकी पत्नी नहीं रही। और बच्चा? बच्चा भी नहीं रहा। देखा आप सबने, आज एक और माँ ने अपनी बेटी खो दी इस भक्ति परंपरा के नाम पर। अरे ये तो खुद ही एक बच्ची थी, फिर इसके शरीर में एक दूसरे बच्चे पैदा करने की ताकत कहाँ से आती? कब समझेंगे आप लोग? तुम सही कह रही हो जयंती, अगर हम अपनी बेटियों के लिए नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? ये रीत तो बहुत पुराने से चली आ रही है। तो गलत है ये, सरकार ने भी शादी की उम्र कम से कम 18 साल तय की है, क्योंकि उस उम्र का इंसानी शरीर इस दर्द को सह सकता है, 8, 10 या 14 साल का नहीं। चलो चलो, 8 साल पहले भी यही बखेड़ा इसने शुरू किया था, आज फिर वही कर रही हो तुम। अरे वो माधव सिंह हम लोगों को सबको गांव से बाहर निकाल देगा, समझ में आया तुम्हें? चलो चलो सब कोई चलो। मैं आप लोगों के लिए ही लड़ रही हूँ, क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? शादी बचपन की होगी बर्बादी, जीवन खराब होगा पूरा, हर सपना रहेगा अधूरा। करोगे अगर आज समझदारी तो कल होगी हर खुशी तुम्हारी, करोगे गैर कानूनी काम हवालात में होगी शाम। अबे पढ़ो बे। सरपंच जी, ये जयंती ने बड़ा बवाल करके रखा है, हमने अभी देखा कि गांव की कुछ औरतें भी उसके साथ हो गईं। 8 साल पहले तो बच गई थी, कि लगता है अब इसका इंतजाम करना ही पड़ेगा। Thank you.
माँ की तस्वीर बदलने की कोशिश ना करो। अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप गांव छोड़कर चले जाओ। बच्चों, लड़का हो या लड़की, दोनों एक बराबर होते हैं। जो इज्जत समाज में पुरुषों को मिलती है, वही इज्जत औरतों को भी मिलनी चाहिए। ये उनका हक है और ये हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। समझे बच्चों? अरे काकी, ये सब क्या हुआ आपको? किसने मारा? मेरे पति ने। मैंने तुम्हारा साथ दिया ना, अब मुझसे नहीं होगा, मुझे माफ करना। पर काकी, आओ आओ मास्टर ने जी, हम कब से यहाँ तुम्हारा राह देख रहा हूँ। क्या हुआ मास्टर ने जी, आज कोई स्कूल नहीं आया? आज तुम यहाँ बिल्कुल अकेली हो, बिल्कुल अकेली। अगर उस रोज हमारा बात मानकर तुम ब्याह कर ली होती ना, तो आज कम से कम यहाँ तुम्हारा पति तो होता तुम्हारी रक्षा करने के लिए। छोड़ मुझे। बहुत जोश। अच्छा लगता है हमें ही जोश। वैसे मास्टर ने जी, तुम बहुत सही वक्त पर आई हो ये गाँव में। भाई सोच रहे हैं कि क्यों ना हम भी तुम्हारे साथ शादी कर लें। अपनी गंदी जुबान बंद कर। निचोड़ कर रख दूंगा सर ये कर। क्यों, डर लग रहा है? डर? और मुझे बोल मत कि गांव हमरा है और यहां हमरा राज चलता है, माधव सिंह का। गौरी बड़ी भी करे तुझे है ना। अब देख किस तरह दो दिन बाद आने वाली अक्षय तृतीया को पूरे गांव के सामने, तेरी इन आंखों के सामने पांच पांच लड़कियों का ब्याह करवाऊंगा, तेरी गौरी का भी करवाऊंगा। और अगर तुमने जरा सी भी गड़बड़ करने की कोशिश की या सोचा भी, तो पूरे गांव के सामने तुझे अपनी पत्नी बनाऊंगा, माधव सिंह की। समझी? चलो रे। तुम यहां से चली जाओ जयंती। पिछली बार मेरी वजह से गई थी, इस बार मेरी बेटी की वजह से जाओगी। सब कुछ गलत मेरे ही कारण होता है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सुषमा, और अब मैं कहीं नहीं जाने वाली। पर यहाँ रहोगी तो माधव सिंह तुम्हें मार डालेगा। तो यहाँ से जाकर भी क्या होगा, और मैं कब तक भागती रहूंगी? अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। पर वर कुछ नहीं, अभी क्या, अभी हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, समझे तुम? चलो जयंती, एक बार फिर सोच लो। मैंने सब कुछ सोच लिया है, तुम चलो मेरे साथ। अब देख कैसे चलता है हमारा हुक्म ही गांव में। देख, ए पंडित, सभी तैयारियां हो गया? गांव वाले कहां सारे? सरपंच जी अभी तक तो नहीं आए। तो तुम यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? घसीट कर लाओ सबको घरों में से। चल। ए, क्या घूर रही है री? घूर क्या रही है तू? सरपंच Thank you.
बाद इस गांव में तेरा कोई हुक्म नहीं चलेगा माधव सिंह। जयंती सही थी, आज के बाद इस गांव की कोई भी माँ तेरी इस घटिया परंपरा के लिए अपनी बच्ची की जिंदगी खराब नहीं करेगी। मेरी सुबह तो बंद कर दी माधव सिंह, पर इन लोगों का मुंह कैसे बंद करोगे? माफ कर दो जयंती, कसम खा दे अभी गलती हम दोबारा नहीं करेंगे, सारे बच्चों को स्कूल भेजेंगे। माफ कर दो बहरी, हमका माफ कर दो। दरोगा जी हमका बचा लो, दरोगा जी हमका बचा लो। बाल विवाह की इस परंपरा का आगाज सदियों पहले इसलिए हुआ था ताकि मासूम लड़कियों को समाज की बुरी नजर से बचाया जा सके, लेकिन आज के जमाने में जहां औरत मर्द के कंधे से कंधा मिलाकर उसे जिंदगी की हर दौड़ में बराबर की टक्कर दे रही है, इस परंपरा को लागू करना जाती भी है और बेवकूफी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार हर साल दुनिया भर में करीब 1 करोड़ लड़कियों की शादी 18 की उम्र से पहले हो जाती है। इसमें से 1/3 यानी तकरीबन 35 लाख लड़कियों का बाल विवाह भारत में होता है। तसल्ली देने वाली बात यह है कि 2005 से 2009 के बीच इन आंकड़ों की संख्या 46% तक घटी है, 46%। लेकिन इन आंकड़ों को हमें पूरी तरह से खत्म करना है, और ये तभी मुमकिन होगा जब हम अपने अंदर जयंती जैसी हिम्मत और जज्बा जगाएंगे। जयंती की बेमिसाल लड़ाई ने गांव की न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बचाई और उनके भविष्य को सुरक्षित किया। आज उसी के द्वारा बनाया गया एक महिला मंडल गांव-गांव जाकर लोगों को इस धक्कानुसी प्रथा के खिलाफ शिक्षा दे रहा है। जयंती की लड़ाई पूरे देश के लिए एक मिसाल है और सावधान इंडिया उसके इस जज्बे को सलाम करता है। अब मैं हितेन तेजवानी आपसे इजाजत लेता हूं, कल फिर लौटूंगा साहस की एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ, एक आम हिंदुस्तानी की कहानी जो सच की लड़ाई में अंत तक अटल रहा। तब तक के लिए सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स। तो सावधान।